शिवनी जिले में 24 मार्च को आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि दत्त का शिवनी आगमन हो चुका है। शिवनी में किसान विरोधी काले कानून वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाए जाने की मांग को लेकर कल देशव्यापी किसान आंदोलन के पांचवें चरण में किसानों को जगाने के उद्देश्य से देशव्यापी किसान महापंचायतें आयोजित हो रही हैं। सिवनी जिले की किसान महापंचायत में अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम पंडित महाराष्ट्र, गुजरात की किसान नेता प्रतिभा सिंधे सहित शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी, अभिमन्यु कोहड़, नरेश यादव और सिवनी जिले से लगे नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला जिले के किसान नेता शामिल होंगे, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रवि दत्त जी ने कहा, किसान मजदूर व्यापारी सब हमारे भाई हैं, हम गांधीवादी तरीके से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। काले कानून जिसको नाम दिया है हम किसानों ने, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, उसको वापसी की मांग व न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने, ये दो प्रमुख मांगों को लेकर के आज लगभग 4 महीने होने को है दिल्ली की सड़कों पे हमारे देश का किसान बैठा हुआ है। उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ सिवनी में भी ये आंदोलन चल रहा है, और ये जो आंदोलन है इसका ये 5वां चरण है जो पूरे देश के अंदर में किसान महापंचायतें की जा रही है। किसान सर से कईयों वार्ता हुई लेकिन कोई हल अभी तक सरकार की तरफ से निकला नहीं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को 1.5 साल के लिए अभी स्टैंड किया हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। उसके बावजूद सरकार ने मानती है कि इस बिल में ढेरों सारी खामियां हैं और वो संशोधन करने को तैयार है। आज हम देख रहे हैं लगभग 1 महीने को होने को आया है लेकिन सरकार ने अगली कोई भी वार्ता हमारे किसानों के जो संगठन है 40 किसानों का जो प्रमुख दिल्ली के अंदर में, उनसे अभी कोई भी बात सरकार नहीं कर रही है। किसानों ने जो राष्ट्रीय आह्वान है हमारा, हम पूरे देश के अंदर में किसानों की महापंचायत कर रहे हैं और सारे किसानों से जो है उनके सुझाव ले रहे हैं, तो हमारे जो किसान संगठन है वो मानते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा सरकार को समय सोचने का दिया जाए, सरकार सोचे, लेकिन क्या है कि हमारे जो किसान हैं वो आज तक जो 70-75 साल होने को है, 75 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा किसान उसको भी आप आज जा दीजिए। आप तो सरकार ने आपको ही बुलाई, सरकार का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जो चाहे ऐसी चल रही है। अभी बीच में राज्यपाल जी ने भी ऐसी बातें की हैं, मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें चल रही हैं, और अपने वरिष्ठ नेता भी सब फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।